दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हाल ही में जापान के ओसाका शहर में संपन्न हुई G20 समिट के बारे में। दोस्तों G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ यानी विश्व के 20 देशों का समूह है। दोस्तों इसमें वैसे 19 देश है तथा 20वां जो सदस्य है वह है यूरोपियन संघ यानी यूरोपियन यूनियन। दोस्तों G20 दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है क्योंकि दोस्तों इसमें दुनिया के सबसे ताकतवर विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल है। दोस्तों आंकड़ों की अगर बात की जाए तो दोस्तों इन 20 देशों में दुनिया की 75% आबादी निवास करती है और इन देशों के पास दुनिया की लगभग 80 से 85% GDP का हिस्सा है। और दोस्तों साथ ही साथ 75% दुनिया भर का जो ट्रेड है और 80% दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट में भी इन 20 देशों का हिस्सा है। दोस्तों G20 समिट का ऑफिशियल नेम है समिट ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स एंड वर्ल्ड इकोनॉमी। दोस्तों G20 के यदि इतिहास की बात की जाए तो दोस्तों इसका गठन 26 सितंबर 1999 को आर्थिक संकट से उबरने के लिए किया गया था। दोस्तों G20 का गठन G7 जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा शामिल है ने मिलकर 1999 में एक कोलोन में समिट हुई तथा उसमें उन्होंने यह फैसला किया कि दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों को एक मंच पर लाया जाए। इसी के लिए दोस्तों उन्होंने G20 का गठन किया। दोस्तों G20 की पहली मीटिंग 15 से 16 दिसंबर 1999 को बर्लिन में आयोजित हुई और दोस्तों इसके फर्स्ट चेयरमैन थे कनाडा के फाइनेंशियल मिनिस्टर पॉल मार्टिन। दोस्तों 2007 तक यह मीटिंग वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के बीच होती थी लेकिन दोस्तों 2008 में इसे अपग्रेड किया गया तथा इस समिट में सदस्य देशों के हेड या मुखिया जैसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भाग लेने लगे। दोस्तों 2008 में यह अमेरिका के वॉशिंगटन में आयोजित हुई थी तथा तब से ये लगातार हो रही है तथा इसमें उन देशों के मुखिया भाग ले रहे हैं। दोस्तों 2008 से 10 तक ये वर्ष में दो बार होती थी तथा 2011 से ये वार्षिक यानी एनुअली हो रही है। और दोस्तों इस बार की समिट जापान के ओसाका शहर में संपन्न हुई है। दोस्तों यह G20 की 14वीं बैठक है। दोस्तों 2009 और 10 में यह दो बार आयोजित हुई है तो 2008 से 2019 तक देखा जाए तो 2008 में एक बार, 2009 और 10 में दो बार, इस तरह से उसके बाद एक एक साल चलते हुए 2019 में यह 14वीं बैठक है और यह 28 से 29 जून को जापान में आयोजित हुई है। दोस्तों इस बार G20 के प्रेसिडेंट जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे थे। दोस्तों इस समिट का प्रेसिडेंट मेंबर्स में से ही एक चुना जाता है एक साल के लिए और उसका कार्यकाल 1 दिसंबर से 30 नवंबर तक रहता है। दोस्तों पहले की अगर बात की जाए तो 2018 में यह अर्जेंटीना में आयोजित हुई थी और दोस्तों आने वाले वर्ष यानी 2020 में यह सऊदी अरेबिया में आयोजित होगी। दोस्तों 2021 में यह इटली तथा 2022 में यह इंडिया के नई दिल्ली में आयोजित होगी। दोस्तों इस समिट में इसके सदस्य देशों के अलावा 2015 से 6 देश बतौर गेस्ट भी शामिल हो रहे हैं जिनमें स्पेन, मलेशिया, जिम्बाब्वे, सेनेगल, अजरबैजान, सिंगापुर शामिल है। दोस्तों इस बार के समिट की थीम ग्लोबल इकोनॉमी, आतंकवाद, ट्रेडिंग, जलवायु परिवर्तन, वुमेन एम्पावरमेंट, बेरोजगारी को लेकर बनाई गई थी। वैसे दोस्तों इस मंच का उपयोग इसके सदस्य देश द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय बायलैटरल और ट्रायलैटरल समझौते के लिए ज़्यादातर करते हैं। जैसे दोस्तों इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तथा चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने मुलाकात की तथा उन्होंने उन दोनों देशों के बीच में चल रहे ट्रेड वॉर को ख़त्म करने का फैसला किया। दोनों देशों ने यह निर्णय लिया है दोस्तों कि वे आगे से एक दूसरे पर टैरिफ नहीं लगाएंगे। दोनों देशों के मध्य ट्रेड वॉर ख़त्म होने की उम्मीद है। तो दोस्तों यह विश्व के व्यापार के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। इससे दोस्तों भारत को भी अपने एक्सपोर्ट में फ़ायदा होगा। दोस्तों इस समिट में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। दोस्तों नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की भी बायलैटरल बातचीत हुई। दोस्तों दोनों नेताओं के बीच में व्यापार को लेकर तथा डिफेंस को लेकर, 5G कम्युनिकेशन को लेकर काफ़ी बातचीत हुई। और दोस्तों आने वाले वर्षों में दोनों देश सैन्य क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री की
चीनी राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति के साथ भी बातचीत हुई। तीनों देशों के मध्य दोस्तों आतंकवाद को रोकने के लिए और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जापान, अमेरिका और इंडिया का मतलब होता है जय यानी जीत, जिसमें उन्होंने जय का मतलब जापान, ए का मतलब अमेरिका और आई का मतलब इंडिया बताया। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ब्रिक्स देशों को भी संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद पर एक साझा कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, जो कि दोस्तों मोदी जी लगभग हर समिट में कहते हुए आ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों तेल की कीमतों को कम रखने के लिए भी मोदी जी ने बात कही। इसके अलावा दोस्तों मोदी जी ने कहा कि स्किल्ड वर्कर है वह पूरे दुनिया में आसानी से आ जा सके। और दोस्तों मोदी जी ने जोर दिया कि जो विश्व की बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनमें जो निर्णय लिए जाते हैं वह एक तरफा ना लिया जाए, सभी को मिलाकर साझा निर्णय उसमें लिए जाएँ। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो G20 समिट में हुई। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। और भी दोस्तों यदि किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।